If the sixth term in the expansion of 1 upon x to the power 8 by 3 plus x square log base 10 x to the power 8 is 5600, then find the value of x. तो अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये expansion क्या, जो given expansion है उसको अगर मैं लिखूँ तो ये क्या given है, ये given है 1 upon x to the power 8 by 3 x to the power 8 by 3 plus x square log base 10 x, और इसकी power क्या है, इसकी power 8 है, ठीक है। अब मैं एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि यही है ना x की पावर 8 बाई 3 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लॉग बेस 10 और x है, मैं क्रॉस चेक करता हूँ, ठीक है। तो अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन यही है। अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, सिक्स्थ टर्म, तो अगर मैं इसका सिक्स्थ टर्म लिखूँ तो सिक्स्थ टर्म लिखूँ तो इसमें जो ये ओपन होता क्या होता है, 8c0 8c1 8c2, तो 8c0 को अपन फर्स्ट टर्म बोलते हैं, 8c1 को सेकेंड टर्म बोलते हैं। तो अगर सिक्स्थ टर्म बोलूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 8c5, क्योंकि इससे पहले कितने टर्म्स रहेंगे, पांच टर्म्स रहेंगे, 8c4 उसका फिफ्थ टर्म रहा होगा, 8c0 क्योंकि फर्स्ट टर्म है। मैं यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो क्या आ जाएगा, ये 8c0 8c1 8c2 8c3 8c4 8c5 इस तरीके से ओपन होता है। और ये क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये क्या है फोर्थ है, और ये क्या है, ये फिफ्थ है, और ये क्या आ गया, ये सिक्स टर्म आ गया। तो सिक्स टर्म का जो ओपन होगा वो कैसे होगा, 8c5 और ये आ जाएगा 1 अपॉन x की पावर 8 बाई 3 और इसकी पावर अपन क्या रखेंगे, 8 माइनस 5 और यहाँ पे x स्क्वायर log बेस 10 x, इसकी पावर अपन क्या रखेंगे 3, ठीक है। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे और इसका वैल्यू इन्होंने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू इन्होंने 5600 दे रखा है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो लेट से इसको अपन 5600 के इक्वल्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने से 5600 के इक्वल्स कर दिया। अब अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं 8c5 को ओपन करूँ, ये ओपन होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यू क्या आ गया, 1 अपॉन x की पावर 8 बाई 3 और इसका पावर क्या आ गया, 8 माइनस 5, तो ये 3 आ गया। प्लस यहाँ पर अगर मैं वैल्यू देखूँ तो एक्स स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 एक्स, इसका क्या आ जाएगा पावर क्यूब, इसका 5600 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, लेट से इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 8 फैक्टोरियल को अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 3 × 2 × 1, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन x की पावर 8 आ जाएगी, ये 8 × 8/3 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 8, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा क्योंकि 1/8/3 है, अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये आ जाएगा x की पावर 6, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा x की पावर 6 और ये वैल्यू आ जाएगा log बेस 10 x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी होल क्यूब, ठीक है, इसका टू यहाँ पे ये 5600। अपने को क्या x की वैल्यू बतानी है ना। अब अपन मैं इसे सॉल्व करूँ लेट से, यहाँ पे जो इसे न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करती है, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 3 × 2, तो अगर मैं 3 × 2 देखूँ तो ये क्या आ जाएगा 6 और 6 से कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है, ये वैल्यू 8 × 7, तो ये 56 अपॉन एक्स की पावर 8 प्लस ये आ गया एक्स की पावर 6 और ये आ जाएगा लॉग बेस 10 एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी इसकी क्यूब इजकल टू 5600, तो ये वैल्यू अपने पास आ गया। अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशन भी है और एक सिंपल जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो तो है ही। अब अगर अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी, यहाँ पे मैंने यहाँ थोड़ी सी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे प्लस साइन नहीं, ये मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आपस में, ठीक है, ये टर्म जो है आपस में मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये गलती करी है, इसको अपन ने प्लस साइन में लिखे जा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे ये सारी टर्म्स क्या है मल्टीप्लाई में है, ठीक है, यहाँ पे ये टर्म्स क्या है मल्टीप्लाई में। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये अपना काफी आसान हो गया, इसे सॉल्व करना इजीली हो गया, ठीक है। अब अगर अपन इसे सॉल्व करें तो लेट से 56 से मैं यहाँ से कैंसिल करूँ तो ये क्या आ जाएगा 56 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 6, एक्स की पावर 6 है और यहाँ पे एक्स की पावर 8 है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर स्क्वायर। तो अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू देखूँ तो ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर ये वैल्यू देखो तो ये अपने पास आ जाएगा लॉग बेस 10 एक्स, इसका क्या क्यूब, इसका ये क्या आ जाएगा 100 एक्स
स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा 100x स्क्वायर। और इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू के लिए बात करूँ तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास, इसको अपन लिख सकते हैं 10x की पावर 2। ठीक है, 10x की पावर 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अगर क्यूब रूट लो, यहाँ पे क्यूब रूट ले लो अगर बोथ साइड, तो बोथ साइड अगर मैं क्यूब रूट लूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा log base 10x इजकल्स टू, ये क्या आ जाएगा 10x की पावर 2/3, ये वैल्यू आ जाएगा। अब अगर अपने को क्या बताना है, यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखूँ तो अपन x की वैल्यू क्या एज्यूम, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अपन ने जब अपन ने इसका सिक्स टर्म लिखा था तो वहाँ पे अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक करी थी। वो मिस्टेक क्या था, यहाँ पे ये पावर जो है, ये पावर मैंने 3 लिखा था, यहाँ पे ये पावर क्या आ जाएगा 8-5, और यहाँ पे ये पावर आ जाएगा 5। ठीक है, ये पावर आ जाएगा यहाँ पे 5। अगर अपन आगे मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे ये पावर आ जाएगा 5, ये हर जगह पावर क्या आ जाएगा 5। अब मैं आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये पावर आ जाएगा 5, ये पावर 5, और यहाँ पे अगर मैं 5 और 2 करूँ तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा, पावर की पावर को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 10। यहाँ पे ये 10 आ जाएगा x की पावर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब अपन आगे मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ ये नीचे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगा, एक्स की पावर 8 है यहाँ पे, ठीक है, एक्स की पावर 8 है और यहाँ पे एक्स की पावर 10 है। अच्छा, 56 अपने यहाँ 56 100 था तो 100 से कैंसिल कर दिया, ये पावर 5 था, यहाँ से एक्स की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, ये वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग 10x इसकी पावर क्या 5 इजकल्स टू ये आ जाएगा 100। अब अपन इसकी वैल्यू बताएं तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू अपन क्या रखें तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी अपने पास। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू अगर देखूँ तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो x इज का सूट 10 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 10 रखे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 के पावर 5 1, और यहाँ पे 100, तो x इज 5 जो है वो सेटिस्फाई करेगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 10 हो जाएगी, x इज 10 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो अपना आंसर हो जाएगा x इज 10। ठीक है, और x की वैल्यू अपने को बतानी थी क्वेश्चन में, क्या x की वैल्यू बतानी थी, तो x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, x की वैल्यू 10 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। ठीक है,